अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आज सरकारी स्कूल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पुलिस जाब्ते के बीच हटाया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण के पटवारी निशांत सामरिया ने बताया कि काकरिया बोनाबाई इलाके में सरकारी स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था, इसे लेकर अतिक्रमण करने वाले लोगों से समझाइश की गई और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की खेल मैदान पर पक्का निर्माण करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसकी सूचना मिलते ही अजमेर विकास प्राधिकरण ने स्थानीय सिविल लाइन थाना पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज समस्त अतिक्रमणों को हटाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया और वहां सरकारी स्कूल की भूमि का बोर्ड लगवाया गया और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई कि यह जमीन स्कूल की है, ऐसे में इस पर किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी अस्थायी अतिक्रमण हटाकर समझाइश की गई थी, लेकिन फिर भी यह स्थायी अतिक्रमण किया जा रहा था जिससे जेसीबी के माध्यम से हटवाकर कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं की ओर से अपनी नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन उसके पास किसी तरह के दस्तावेज मौजूद नहीं थे। खसरा नंबर है 6569/1684। ये किस्म इसकी गैर मुमकिन स्कूल बोल रही थी, तो स्कूल से हम स्कूल संस्थापन से हमने बात करी थी तो वो कह रहे थे भाई हमको खेल मैदान के लिए जगह अलॉट करवानी थी, तो ये खसरा नंबर स्कूल का ही था और इस पर अतिक्रमण था। दो दिन पहले भी हम लोग आकर गए थे यहाँ पे तहसीलदार मैडम के साथ में, तो उन्होंने यही कहा कि भाई पहले तो इनको समझा के गए थे लेकिन ये माने नहीं, उस समय ये कच्चा निर्माण ही था, अब इन्होंने धीरे धीरे पक्का कर दिया। इस तरह से क्या है कि अतिक्रमियों को हौसला मिलता है, तो उसके ऊपर उपायुक्त साहब के आदेश के अनुसार हमने ये आज की कार्रवाई करी है तोड़ने के लिए। ये लेडीज रहती हैं यहाँ पे, जो ये हमने दो बार आकर के उससे नाम भी पूछने की कोशिश करी लेकिन ये नाम भी नहीं बता रहे हैं कि भाई मेरा नाम ये, तो बोल रहा है मेरा नाम ही नहीं है कोई। कहाँ पर है सर ये जगह? कांकरदा बुनाबा। अब हटा दिया गया? हाँ। गुड नाइट।